नागपुरातील कपिल नगर पोलीस ठाणे हद्दीत कपिल नगर पोलिसांनी आयपीएस सट्ट्याच्या अड्ड्यावर छापा मारून दोन आरोपींना अटक केली आहे. तसेच त्यांच्याजवळून एकूण 81,305 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. कपिल नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुप्त माहितीच्या आधारे आयपीएल सामन्यावर सट्टा सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. ही घटना उघडकीस येताच पोलिसांच्या पथकाने छापेमारी कारवाई करत दोन आरोपींना अटक केली. मुख्य आरोपी 37 वर्षीय अमनदीप सिंग हरजीत सिंग धनलाल हा गुरु तेग बहादूर नगर कपिल नगर येथील रहिवासी आहे. तर दुसरा आरोपी 34 वर्षीय सुरेंद्र शंकर सूर्यवंशी हा कपिल नगर येथील रहिवासी आहे. आरोपींकडून दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांचे मोबाईल फोन, लेनोवो कंपनीचा लॅपटॉप, पेनड्राईव्ह, इंटरनेट डोंगल, USB कनेक्टर आणि 5,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तर 81,305 रुपयांचा माल पोलिसांनी जप्त केला आहे. VKB न्यूजसाठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह वैदेही चव्हाण यांची रिपोर्ट. हा हमारे गुप्त जो बातमीदार है उन्होंने बातमी दिया था कि कपिल नगर पुलिस थाना हद में गुरु तेग बहादुर नगर है, तो वहाँ पे ये क्रिकेट के जो IPL के मैचेस चल रहे हैं उसके ऊपर सट्टा पट्टी के गेम चल रहा है. तो हमारे API मुलानी साहब और उनकी टीम साथ में लेके गया मैं. तो ये जो आरोपी नंबर एक है अमनदीप सिंह हरजीत सिंह, तो इसके घर पे ये चल रहा था. उसका एक जोड़ीदार है सुरेंद्र शंकर सूर्यवंशी, ये जो खेलने वाले लोग हैं उनसे ये लेता है और आगे ये अमनदीप के पास फॉरवर्ड करता है. तो हमारी कल रेड सक्सेस हुई. तो जब तो मुद्दे माल में है कि दो मोबाइल है, एक लेनोवा कंपनी का लैपटॉप है और एक पेन ड्राइव है सैंडवास्ट कंपनी का, और ऐसा मुद्दे माल है और रोक रकम है 5,000 रुपये. ऐसा टोटल 81,000 का माल है. Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.